नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने होठों को गुलाबी और बेबी सॉफ्ट कैसे बनाएं। देखिए, चाहे मौसम सर्दियों का हो गर्मियों का हो, आपके होठों की जो परत होती है उस पर पापड़ी जम जाती है या होठ रूखे सूखे हो जाते हैं, और अपने होठों के कालेपन को किस प्रकार दूर किया जाए उसके लिए मैं आपको शहद से एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने होठों को, काले पड़े होठों को गुलाबी और बेबी सॉफ्ट बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में होठ फट जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं। बहुत से लोगों का गर्मियों में होठ धूप की वजह से होठों पर कालापन आ जाता है, तो उसको कालेपन को दूर करने के लिए और गुलाबी होठ और बेबी सॉफ्ट होठ बनाने के लिए हम यूज करेंगे शहद यानी कि हनी। देखिए, शहद में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके उसको हाइड्रेट करती है। और देखिए, शहद जो होता है बाजार से आपको मिल जाएगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो छत्ते से ही आप ले लेंगे। देखिए, होठों पर हमको अप्लाई करना है तो हल्की मात्रा में मैंने शहद इस तरीके से ले लिया है। तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट मिलाना है वो हमें मिलाना है एलोवेरा जेल। देखिए, एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए, स्किन को निखारने के लिए काम में आता है और फेस वॉश की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो हल्की सी मात्रा में हम इसमें एक एलोवेरा जेल ले लेंगे इस तरीके से। एलोवेरा जेल में काफी अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और मेरे द्वारा बताए गए ये नुस्खे पूरी तरीके से कारगर होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे द्वारा बताए गए नुस्खे पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हैं। अब इसमें हम लेंगे गुलाब जल। देखिए, गुलाब जल हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा और मॉइस्चराइज करेगा और टोन की तरह काम करेगा। जो हमारे होठों पर पपड़ी जमा होगी, पपड़ी और कालापन होगा जो होठों पर, तो हल्की मात्रा में आपको आधी सी चम्मच हल्की सी मात्रा में आपको लेना है गुलाब जल। अब देखिए, इसको उंगलियों की मदद से सब इस पेस्ट को मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने पर हमारा ये एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने शहद, एलोवेरा जेल और गुलाब जल लिया है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी उंगलियों की मदद से, फिंगर्स की मदद से, उंगलियों की मदद से अपने होठों पर इस तरीके से मसाज करनी है। तो ऐसा 5 से 10 मिनट तक आप मसाज करते रहेंगे अपने होठों पर, तो आपके होठ जो फट गए हैं और कालापन है होठ पर वह भी गोरा और गुलाबी हो जाएंगे होठ। तो इस तरीके से 3 दिन तक लगातार ऐसा करिए। फिर 3 दिन के बाद नेक्स्ट वीक में 3 दिन तक लगातार करिए। तो इससे होगा क्या कि आपके होठ गुलाबी सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके जो होठ फट गए हैं, चाहे मौसम सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का हो, होठ कभी भी फट जाते हैं। तो आपके होठों के लिए ये ऐसा घरेलू नुस्खा मैं जो लेकर आया हूँ, ये महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स फेल हैं इस नुस्खे के सामने, क्योंकि इस नुस्खे में हमने जो एलोवेरा जेल लिया और शहद जो मामूली सी चीज़ है, ये कम मात्रा में यानी कि कम पैसों में मिल जाती हैं ये चीज़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ढेर सारे नए नए नुस्खे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। धन्यवाद।